हमारे यहाँ से 2021 बैच में गोल्ड मेडल आया है बीकॉम में और 22 बैच में एमकॉम में गोल्ड मेडल है, बीएचयू मेडल। दो साल कोविड में चला गया मेरा। एक साल में क्या दिया? नहीं खत्म पढ़ाई लिखा नहीं, अभी तो एमबीए करेंगे। आप लोग एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एमबीए में एडमिशन ले लिया है? कैट हम लोग का एमकॉम भी चल रहा है, यही मेन कैंपस। एमकॉम करके क्या करेंगे आप आगे? जो बीएचयू आ जाए उसके बाद उसे छोड़ के जाने का मन नहीं। बीएचयू हमें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स 102 कॉन्वोकेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और देखिए कैसा माहौल है, कैसा ड्रेस कोड होता है जब हम बीएचयू में कॉन्वोकेशन अटेंड करते हैं। लोग फोटोज क्लिक करा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल है। देखिए ग्रेजुएशन के लोग बच्चे हैं ये, और उधर दिखाइएगा एक बार, काफ़ी दूर तक ये भीड़ लगी हुई है, कतार में लोग खड़े हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे अब कि कैसी यहाँ पे, और अंदर थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर कैसा दिखता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। देखिए ये है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बहुत ही बढ़िया ये बनाया गया है, इसको कवर करिए। और सामने सरस्वती माँ का एक बहुत ही बढ़िया प्रतिमा है, और इधर लोग पढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आप बाहर निकलेंगे अगर और कुछ लोगों से पूछेंगे, हेलो 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 एक्सक्यूज़ मी, बीकॉम से पास आउट हो रहे हैं आप लोग? जी। बढ़िया लगा बीकॉम में पढ़ के? बिल्कुल। तो इतने टेंशन में क्यों है? नहीं कोई टेंशन नहीं है। टेंशन में नहीं है आप लोग? कितना सीजीपीए बना यहाँ पे बीकॉम से निकलते? बीकॉम हाँ 8.6। 8.6 बहुत पढ़ती थी क्या? बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है ना। आप लोग आर्य महिला से हो? यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एफिलिएटेड कॉलेज आप पढ़ाती हैं? फैकल्टी हैं आप? जी। कैसी पढ़ाई होती है मैम वहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। डिसिप्लिन में लोग रहते हैं? हमारे यहाँ से 2021 बैच में गोल्ड मेडल आया है बीकॉम में, और 22 बैच में एमकॉम में गोल्ड मेडल है, बीएचयू मेडल। क्या डिफरेंस है, एक बड़े कैंपस होना और छोटा कैंपस, ये नहीं पूछूंगा मैं। डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स की डेडिकेशन पर। और कैसे लोग वहाँ पे जो पहुँच रहे हैं, कैसे लोग पहुँच रहे हैं, बच्चे आपको कैसे लगे? बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे, इसीलिए हम लोग है? बिल्कुल है, बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वहाँ। और आप लोग कोऑपरेटिव हैं? आप बच्चों से पूछ लीजिए। कोऑपरेटिव है मैम? हाँ मैम लोग बहुत ज्यादा, एक एक कदम पे मैम लोग को, हम लोग जब भी कॉल किए अगर रात में भी कुछ पूछना हो तो मैम लोग हमेशा कॉल, मैम लोग साथ देते हैं। हाँ हमेशा, बहुत अच्छा। मैम सारी सर को भी गिनेंगे इसमें से, वैसे हमें आशा दीजिए और भी लोगों का रिव्यू लेना है और भी आगे जाएंगे। क्या भाई साहब कितने डिग्री ले लिए क्या? हाँ ले लिए। क्या नाम है? अजीत कुमार। बीकॉम? हाँ बीकॉम। बीकॉम से पास हो रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एमकॉम में भी यहीं पे एडमिशन लेंगे? नहीं एमकॉम में हमारा एलएलबी कर रहा है अभी फिलहाल में। छूट गया मतलब ना ये कॉमर्स? कॉमर्स छोड़ ही दिए। बीएचयू नहीं छूटा अभी? नहीं बीएचयू नहीं छूटा है। द स्टूडेंट लाइफ से है चाचा। द स्टूडेंट लाइफ, अच्छा nice. आप यहाँ पे एक कॉन्वोकेशन डिग्री लोग लेके डिग्री जा रहे हैं। हम लोग 3 दिन से कवर कर रहे हैं हर एक चीज़ों को, और बहुत लोगों का यहाँ पे सेंटीमेंट जुड़ा होता है। बेटी को पढ़ाया कैसा लगा यहाँ बीएचयू? बहुत अच्छा। आप सबको बताना चाहेंगे कि लोग अपनी बिटिया को यहाँ भेजे पढ़ने? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए बोलना चाहेंगे, सभी को भेजना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पे? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा फीस नहीं लगा होगा? कुछ नहीं। बताइए क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा कहाँ से हैं आप? मैं जमशेदपुर से हूँ, टाटा नगर। जमशेदपुर से हैं। डिग्री मिली है आपको? हाँ जी। तो डिग्री ये हाथ में लेकर के क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 3 साल बाद ये पहला दिन ऐसा है कि हमें डिग्री मिली है ना। जा रहे हो आप छोड़ करके बीएचयू? हाँ हाँ, जॉब करती हूँ मैं अब। जॉब करती हूँ तो बस डिग्री रिसीव करना है, 2020 में ही मेरा पास आउट होगा। तो ये बीकॉम की वजह से ही जॉब लगा है? हाँ जी। मतलब इतना किफायती है, मतलब यहाँ से पढ़ सकते हैं हम ना? जी, काफी अच्छा होता है, नाम काफी होता है। आप मेन कैंपस में थे कि एफिलिएटेड कॉलेज में थे? मेन कैंपस। कैसी फैसिलिटीज यहाँ, लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के सही चीजें हैं यहाँ पे? सारी चीजें परफेक्ट है, सारी फैसिलिटी है, हॉस्टल भी परफेक्ट है। जमशेदपुर से है तो आप हॉस्टल भी रही होंगी यहाँ पे, क्या लगा हॉस्टल में, क्या एक्सपीरियंस था? सब बढ़िया था, काफी बढ़िया था। बीएचयू हमें क्या सिखाता है? बीएचयू हमें नहीं पता क्या सिखाता है, बट इट्स वेरी गुड, इट एक्चुअली इज वेरी गुड, इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड टू लर्न इंडियन कल्चर
इंडियन नॉलेज, होलिस्टिक अप्रोच रख करके हम एक चीज़ों को सीखें। तो लोग बोलते हैं कि BHU हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है, हर उस सिस्टम से मिलाता है जो हम आगे चल के करने वाले हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और भी आगे आएंगे क्या भाई साहब? दोबारा नहीं, इनका आपका भी नहीं ले, इनका भी नहीं ले सकते, और भी आगे आएंगे। लेकिन आप लोग, हेलो एक्सक्यूज मी, एफिलिएटेड कॉलेज से हैं क्या आप लोग? जी एफिलिएटेड कॉलेज की मिस, RGSC में BCOM चलता है जी। वो कहते हैं दोनों चलता है, और लोग कहते हैं पूरा पेड सीट है RGSC में, क्या ये सही में पेड है? पूरा सीट पेड है? हाँ पूरी सीट पेड। कितनी सीट है वहाँ पे? ऐसे एक्चुअली कंफर्म नहीं है, 170 अप्रॉक्स, 100 फॉर ऑनर्स और 70 फॉर FMM। और 100% हॉस्टल है? हाँ 100% हॉस्टल है। कैंपस वहाँ का कैसा, वेल डेवलप तो नहीं है? कैसा लगता है आप लोग को RGSC में? नहीं है, वेल डेवलप्ड है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकले आप उनसे कंफर्म करेंगे तो वहाँ की फैकल्टी, प्रीमाइसेस, एनवायरनमेंट यहाँ से ज्यादा अच्छी वहाँ की, वहाँ का है। हाँ एग्जैक्टली, एंड आई थिंक प्रीमाइसेस भी यहाँ से काफी ज्यादा बड़ा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बेटर है, बेटर है, फैकल्टी बहुत अच्छी है वहाँ की, बेटर है कि बेस्ट है? कैसा पढ़ाते हैं वहाँ पे साउथ कैंपस में? पढ़ाई अच्छी है, मेन है कि अगर जो अगर कुछ अलग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहाँ का माहौल बहुत शांत है, अगर इंसान डेडिकेटेड है तो वहाँ से अच्छे से कोई और प्रिपरेशन भी कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर सकता है इजिली। आप लोग BCOM से पास आउट हो रहे हैं? एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है, वहाँ का नेचर काफी अच्छा है, मतलब यहाँ भी अच्छा है बट यहाँ के कम्पेरिजन वहाँ पीसफुल ज्यादा है। लोग बोलते हैं जंगल में हम पढ़ने चले जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसी को जंगल में जाना चाहिए आई थिंक सो, पहले अगर वहाँ जाने का फर्स्ट व्यू आता है, और अगर जंगल फर्स्ट व्यू आता है कि जंगल में गए हैं बट दो दिन रहो तो फिर ऐसा लगता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति है। क्या बोल रही कीर्ति आप? मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ कंपैरेटिवली यहाँ रश बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है, अगर इंसान सच में पढ़ना चाहता है तो वो एनवायरनमेंट बहुत सही है पढ़ने के। सेमेस्टर एग्जाम जैसे अपग्रेडेड कॉलेज के BHU में होते हैं, आप लोगों के कहाँ होते हैं? हमारे एग्जाम्स में होते थे, सब वही होता था, डिग्री यहाँ मिलती जी, डिग्री यहाँ मिलती है। तो एक तरह से BHU का साउथ कैंपस ही है, वो एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, वो BHU का साउथ कैंपस। एक क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, BHU हमें क्या सिखाता है, क्या सिखाया अभी तक 3 सालों में? BHU हमें ये सिखाता है, हमें अपने अपने मतलब संस्कार को, अपनी शिक्षा को, सारे मूल्यों को साथ लेकर के आगे कैसे बढ़ना है। आपको क्या सिखाया भाई? हमें ऐसा लगता है कि लाइक हमारी जो शिक्षा है सर्वोपरि है, और हमें उसको हर जगह लेके चलना चाहिए। सर्वोपरि? हाँ एग्जैक्ट, सर्वोपरि मतलब? सर्वोपरि मतलब सबसे प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, सबसे ऊपर। हाँ पहला प्रायोरिटी आप शिक्षा को दे रहे हैं। ऐसे बहुत लड़कियां हैं जो गांव देहात में रह जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पढ़ाई उनसे छूट जाता है और पूरा ग्रोथ भी रुक जाता है, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हालात चाहे जैसे भी हो, सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, पर हमें अगर डिटरमाइंड है हम अपने गोल्स टारगेट्स को लेके, तो हमें लाइक आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्ट, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेज है, उसे यूज करके हमें रैगिंग वैगिंग वहाँ साउथ कैंपस में नहीं होती? नथिंग लाइक दैट, रैगिंग फ्री का पूरा कैंपस रैगिंग फ्री है वहाँ पे, हमें एंटी रैगिंग फॉर्म्स तक भराए जाते हैं, वहाँ पे रैगिंग का कोई चांस नहीं है, और इस तरह की कोई बात कभी आई भी नहीं है सामने हमारे रहते हुए। आप लोग MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर MBA में एडमिशन ले लिया है? कैट हम लोग का MCOM भी चल रहा है यहाँ, मेन कैंपस है, इसी पर्सुइंग MCOM फ्रॉम, मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे अभी? इतनी जल्दी नहीं, बहुत प्यार है हम लोग को, हम लोग इतना जल्दी छोड़ के नहीं जाएंगे, जो BHU आ जाए उसके बाद उसे छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। BHU छोड़ देते हैं लेकिन BHU आपको नहीं छोड़ता, हमेशा जिंदगी में नहीं छोड़ता, बना से हमें छोड़ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस रेटिंग के लिए, थैंक यू सो मच। और भी आगे बढ़ेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और भाई साहब, यस यस यस, हम बेइज्जती नहीं करेंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे, जा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ नहीं अभी जाने खत्म, पढ़ाई लिखा नहीं, अभी तो MBA करेंगे MCOM नहीं करेंगे ना। MBA कहाँ लेंगे, MBA में एडमिशन? हमको बैंगलोर में कोई सा भी कॉलेज, मतलब मेनली तो बैंगलोर, मतलब मोस्टली कोई सा भी कॉलेज, IIM बैंगलोर, इधर ही बस जाना है। IIM तो नहीं होने से रहा। क्यों नहीं भाई, नंबर नहीं आया और क्या, उतना बढ़िया पढ़ाते नहीं है क्या यार सेमेस्टर एग्जाम में? मैं सेमेस्टर से क्या मतलब, अब 3 साल तो घर में बैठे निकले हुए, दिक्कत हो गई है यही वाली ना दिक्कत, तो वो हर चीज़ का दिक्कत है। तो यहाँ पर लोग, हेलो, लोग कह रहे हैं कि MBA बहुत कठिन है BHU के छात्रों के लिए, IIM से करना कठिन तो है, लेकिन वो अपने अपने स्किल्स की बात है कि अगर आप अच्छे पढ़ते हैं, उनके लिए प्रिपरेशन अच्छा करते हैं तो आपका निकल भी सकता है। अच्छा तो क्या यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना बढ़िया है कि आसानी से हमारा MBA और ये सब सारी चीज़ें निकल जाए? हाँ यहाँ नहीं सही सही बता रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे,
टीचर्स और फैकल्टीज इतना हेल्प करते हैं बच्चों को, जब भी आप कभी लेके प्रॉब्लम जाएंगे तो कभी मना नहीं करेंगे आपको, हमेशा हमेशा आपको सिखाएंगे और हमेशा आपको। आप मेरे बड़े भाई हैं, हमको बीकॉम करने के लिए मेरा और भी जगह निकला है, बीएचयू छोड़ करके हम कहाँ और जाएं, बेस्ट कौन सा है? बेस्ट आपका डीयू जा सकते हैं, डीयू में और यहाँ कैलकटा साइड आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं प्राइवेट। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है तो बीएचयू सही है, सबसे अच्छा है। सही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या भाई पास आउट हो रहे हैं? डिग्री दिखाएंगे जी। आदर्श मिश्रा जी हैं ये, कैसा लग रहा है ये डिग्री आपको? सर बहुत ही हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है और तीन साल ये जो समय बीता ये बहुत कुछ सीखने को मिला, अनुभव ऐसा रहा कि ये यहाँ से जाने के बाद भी ये चीज़ तो हमेशा हमारे दिल में रहेगा। एक जिम्मेदारी भी है ये डिग्री। ये एक जिम्मेदारी का बोध भी है क्योंकि कहीं भी जाने के बाद ये अनुभव जरूर होता है कि आप इस ऐसे यूनिवर्सिटी से हैं तो लोग आपसे एक्सपेक्ट भी उतना ज़्यादा रखेंगे, ये स्वाभाविक है। फैक्चुअल जवाब दें, बढ़िया आंसर दें, अच्छे से बिहेव करें ताकि एक गरिमा जुड़ी होती है आपकी आपके यूनिवर्सिटी से, ख्याल रखेंगे इसका हमेशा? हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे और बीएचयू के गौरव को हम लोग अगर आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? आदर्श दुबे। किसने लिख दिया इस पे सब कुछ? अरे ये मैं थोड़ा लेट आया था, मेरा पेपर था सम वॉइसेस का, तो उसी में मेरे को जब आखिरी में जो बचा हुआ स्टॉक था वही मिल गया। तो इसी में ही आके कर आपको लिया। मिल गया, कई लोगों को मिला भी नहीं? हाँ मैंने पता लगाया लेकिन मेरा एक फ्रेंड था तो उसने पहले से ही ले लिया था मेरा, तो इसीलिए। अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं? जी नहीं, राइट नाउ मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को जॉब ऑफर्स आए थे काफी जगह से बट मैंने मतलब छोड़ दिया था जॉब, मतलब मैंने प्रेफर किया कि मैं एमबीए के लिए ज्यादा बेटर रहूंगा। बीकॉम करने के बाद जॉब ऑफर आया था? हाँ बीकॉम जॉब करने के बाद, मतलब मेरे बीकॉम के बाद मेरे को बायजूस एंड कैस्पर जैसी कंपनी से आया था जॉब, बट मेरे को ये लगा कि मेरा बेटर पैकेज नहीं जा रहा था मेरे मतलब स्किल्स के हिसाब से, सो आई थॉट दैट आई शुड बी गोइंग फॉर एमबीए नाउ। So higher studies के लिए continue करेंगे तो और भी option खुल जाएंगे। I just scored a good marks in my CAT and NMAT, so I'm just waiting for my GDPI and what. So I hope आपका हो जाए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर लोग BHU से पढ़ करके वहाँ भी जाइए, संस्कृति और कल्चर को एक्सप्लोर करिए। हाँ काफी है और मतलब मेरा यही मानना है कि अगर लाइक ये यूनिवर्सिटी से इमोशन जुड़ा हुआ है अलग से, मतलब मैं जब आया था तो मेरे काफी फ्रेंड्स वगैरह प्रेफर कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, ये है वो है, बट मेरा ये मानना है कि इफ़ यू हैव अ पर्सनल स्किल एंड इफ़ यू हैव लाइक सेल्फ डेवलपमेंट पर्सनालिटी एंड ऑल देन यू कैन डू एनीथिंग एनीवेयर, बट एंड बीएचयू गिव्स यू दैट ऑप्शन, सो दैट इज व्हाई लाइक आई प्रेफर। लोगों में पूर्व व्यवस्था है बीएचयू करके लोग यहां पे जो भी होते हैं जी, जैसे बीएचयू और भी कुछ लोग हैं। थैंक यू सो मच। और हेलो, यस मैम आप भी पास आउट हो रही हैं? किस सब्जेक्ट से? बीकॉम ऑनर्स। क्या नाम है आपका? आभा शालिनी बाखला। सॉरी, ये आभा कुछ बताने वाली है हमें। लोग कह रहे हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज में और भी बढ़िया पढ़ाई होती है रेदर देन मेन कैंपस। आप मेन कैंपस से हैं? एफिलिएटेड से हैं। सही में एफिलिएटेड में बढ़िया पढ़ाई होती है? हाँ एज कम्पेयर टू, यहाँ के स्टूडेंट से मेरे बातचीत हुआ नहीं उतना, बट वहाँ पे आर्य महिला में तो सर अच्छी पढ़ाई होती है क्योंकि हमारे यहाँ के टॉपर रही है। अच्छा, अब आर्य महिला में भी पढ़ाया जाता है, वसंता में भी, सब में पढ़ाया जाता है? हाँ। किसी में भी छूटा नहीं है ना? नहीं। और बढ़िया कॉमर्स तो आर्य महिला, बीएबी, वसंता सब में पढ़ाया जाता है। एम कॉम भी होता है वहाँ से? हाँ, अभी लास्ट ईयर नहीं, दो साल से एम कॉम भी हो रहे हैं। और ये एम एम बी में बी कॉम नहीं पढ़ाया जाता ना? उसका आइडिया नहीं है। एम एम बी में बी कॉम आई थिंक नहीं है। चलिए धन्यवाद आभा, डिग्री लीजिए सब लोग, आगे बढ़िए। और भी लोग हैं जिनसे हमें बातें करनी चाहिए। हेलो 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 हेलो, आप लोग जा रहे हो? हाँ मम्मा। छोड़ करके यूनिवर्सिटी? नहीं, हमने फिर से यहाँ पे एडमिशन ले लिया। एम कॉम में। एमबीए क्यों नहीं कर लिया? नहीं एमबीए नहीं करना था, एम कॉम ही करना था। अगर एमबीए करते तो फिर कैट के थ्रू करते, लेकिन अब ऐसे था तो एम कॉम ही करना था। लोग अभी मिले उनको एमबीए ही करना है सिर्फ? सबको करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे अलग करना है। एम कॉम करके क्या करेंगे आप आगे? एम कॉम करके फिर मुझे टीचिंग लाइन में, आफ्टर दैट आई विल डू पीएचडी। पीएचडी 80% लोगों को पीएचडी करना है, सभी लोग को टीचिंग लाइन में जाना है। इतना पसंद है टीचिंग लाइन? टीचिंग है पसंद, बाकी है अलग ही है, अलग भी एक है कि बैंकिंग में भी जाना है, उसके भी प्रिपरेशन करनी है। किससे इंस्पिरेशन ली कि मैं टीचिंग में जाऊंगी? टीचिंग की इंस्पिरेशन तो फिलहाल अपने प्रोफेसर से ही देखी, उन लोगों को देखा कि वो लोग इतना पढ़ाते हैं, इतना वो करते हैं, सब चीज़ होती है, अच्छी होती है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बीकॉम मेन कैंपस से पास आउट हुई? जी। बढ़िया पढ़ाई हुई है आप? बहुत अच्छी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़िया है? बहुत अच्छी है। और ये दोस्त हैं क्या आपके? ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। हेलो फ्रेंड्स। हेलो।
ये फ्रेंड्स हैं मतलब आपकी हमारे हम बन जाएंगे फ्रेंड्स। दरअसल बात यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है यहाँ का? बेस्ट है। बेस्ट है। आप अपने जूनियर को सजेस्ट करना चाहोगे? CUET एग्जाम हो रहा है और DU लोग जा रहे हैं, लोग हर जगह जा रहे हैं, लोग BHU क्यों चुने? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रेनाउंड यूनिवर्सिटी, तो ये इसका यहाँ का प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। बी कॉम करने के बाद प्लेसमेंट है क्या? हाँ, मेरी एक सीनियर थी RGSC से ही, तो उनका लगा, अमेजोन में लगा, काफ़ी अच्छा, मतलब इंटर्नशिप वगैरह ये सब खुद को इंसान को मतलब कि जागरूक रहना चाहिए सबको लेके, तो लिंक्डइन वगैरह पे IDs वगैरह बना के आप उस पर कर सकते हैं। BHU हमें क्या सिखाया 3 साल में? BHU ने हमें क्या दिया? 2 साल कोविड में चला गया मेरा। 1 साल में क्या दिया? एक साल तो समझते ही में रह गया ना मेरा, हमको कुछ क्या ही? नहीं समझ पाया ना। हॉस्टल लाइफ थी? हाँ, हॉस्टल लाइफ बेस्ट। हॉस्टल में लोग बोल रहे हैं कि 10 बजे गेट बंद हो जाता है लड़कियों का BHU में, उसको खोल देना चाहिए। कैंपस में 5-6 बजे बंद हो जाता है। आप साउथ कैंपस से हो क्या? साउथ कैंपस। बहुत गलत बात है, साउथ कैंपस में 5 बजे गेट बंद हो जाता है, ये तो लॉक कर दिया गया, जेल बना दिया गया ना। क्या चाहते हो आप लोग, खुला खोल दिया जाए 10 बजे तक? नहीं, सही है, सेफ्टी के लिए होना चाहिए। हाँ, वहाँ सेफ्टी इश्यूज है, नक्सलाइट एरिया है, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न को चलते हुए बेस्ट है वो सब, बहुत एकदम पूरा जंगल झाड़ी जैसा है वहाँ का एरिया। जंगल झाड़ी, लेकिन एजुकेशन कैसा है, बढ़िया है? वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहाँ से जितनी भी फैकल्टीज है वहाँ पे ज़्यादा बेस्ट होता है। Okay. सारे प्रोफेसर अपना बेस्ट देते हैं पढ़ाने के लिए, सब कुछ मतलब वहाँ का बेस्ट है। क्या नाम है आपका? रितिका। लोग बोलते हैं प्रोफेसर बहुत ओल्ड एज के हो गए हैं, बहुत उम्र हो गई है, सिलेबस बहुत पुराना हो गया है। एक्सपीरियंस काउंट्स। काउंट्स दिखता है। बहुत सी। क्या नाम है आपका? मंतशा। मंतशा, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी लोगों से मिलते हैं। हेलो 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 हेलो, नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे ना, हाय बोल दीजिए, मैं छोड़ दूंगा आपको। कुछ भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हेलो भैया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जी भैया, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से आप लोग पास होकर के बाहर निकल रहे हैं अभी। जवानों से आपको बहुत क्या सिखाया BHU ने? ये मालवीय जी का यही है कि हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छा आचरण लाना, और अपने आम जो नागरिक होता है ना, हाँ, उसको बहुत एक्सपेक्टेशन होती है BHU जैसे जगहों से, BHU के हॉस्पिटल से, BHU के लड़कों से, कि वो आगे चल के बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, राष्ट्रहित में कुछ काम करेंगे। खासकर मालवीय जी बोला करते थे ना, पूरी यूनिवर्सिटी राष्ट्रहित के लिए बनी हुई है, ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, अभी तो करेंगे। अभी करेंगे, फिर क्या करेंगे? अरे करेंगे, कर लेंगे ना। हाँ भैया, बोलिए करेंगे। हाँ करेंगे, 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 करेंगे। थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। अच्छा, ये भीड़ लगा करके क्यों खड़े हैं भाई? मुझे जाना है यहाँ से बाहर। एक्सक्यूज़ मी, भीड़ लगा लिया आपने? आप लोग निकल रहे हो यहाँ पे? नहीं, नहीं जा रहे हो यहाँ से? चलिए दोस्तों, आइए बाहर, आपको दिखाते हैं। ये गेट है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मालवीय जी लगे हुए हैं और बच्चे जा रहे हैं, और कई बच्चे इसमें से जा नहीं रहे हैं, मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, कई बच्चे रिसर्च में एडमिशन ले रहे हैं, कोई यहाँ से छोड़ करके ज़्यादा जा नहीं रहा है, कई लोग जा भी रहे हैं तो IIM जा रहे हैं, और भी मतलब MBA करने के लिए बढ़िया बढ़िया, और कई लोग CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पता चला अंदर कि BHU में मेन कैंपस में कॉमर्स पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ अफिलेटेड कॉलेज में भी, जितने अफिलेटेड कॉलेज हैं सब में कॉमर्स पढ़ाया जाता है। राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी कॉमर्स पढ़ाया जाता है, BCOM। आइए पढ़ाई कीजिए, और कुछ अगर लगे कि हमें और भी कुछ पूछना चाहिए तो बताइएगा, उसको भी सर्च करेंगे, उसको भी दिखाएंगे आपके लिए। तो मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज़ साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जितना प्यार दे रहे हो ना, उतना प्यार मुझे किसी ने लाइफ में नहीं दिया, और इसी प्यार को मैं दोबारा हमेशा बार 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 मांगता हूँ, बार बार चाहिए और बार बार देना पड़ेगा, इसी बात पे सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।